सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? और अच्छे से पढ़ाई हो रही है? वेरी गुड। हाँ जी, आज हम करने वाले हैं व्याकरण में पार्ट दो, वर्ण विचार। इससे पहले बच्चों, आपने पार्ट एक भाषा लिपि और व्याकरण किया था। उसमें हमने भाषा लिपि और व्याकरण के बारे में विस्तार से चर्चा की। भाषा क्या थी? जब हम अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। और व्याकरण जो है वो हमें कि भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना कैसे है, ये सिखाता है। तो आज हम अपने आज के विषय वर्ण विचार पे आते हैं। तो बच्चों, तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण। वर्ण क्या है? आपने क ख ग य अ आ इ ये सब जो है आपने अपनी छोटी क्लासेस में, नर्सरी LKG में सीखा है ना। तो ये क्या होते हैं बच्चों? वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण, यानी कि ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनियां होती हैं। तो अब हमारी वर्ण की परिभाषा क्या हुई कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है उसको हम वर्ण कहते हैं। तो ये क ख ये सब क्या है? हमारे वर्ण हैं। आपने, अब मैं आपको एक वाक्य बोलती हूँ कि राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है? अब राम पुस्तक पढ़ता है में राम पुस्तक पढ़ता, ये तीनों क्या हैं? शब्द है। राम पुस्तक और पढ़ता, ये तीनों क्या हैं? अलग अलग शब्द हैं। और अब राम, राम क्या है? राम में भी अलग अलग अक्षर हैं, जैसे र है, आ की मात्रा है, म है, तो वो भी उसमें अलग अलग है। तो सबसे पहले वर्ण, कि वर्णों से क्या बने? शब्द। और शब्दों से क्या बना? वाक्य बना। अब आता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का जो समूह होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आपके क ख ग क वर्ग में आ जाते हैं, उसके बाद आता है च छ ज, फिर आता है ट ठ ड, प फ ब भ, मतलब ये सब क्या है? या अ आ इ ई उ ओ, ये सब क्या है? हमारे वर्ण हैं। और इनका जो समूह है उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब इसके साथ जो है, अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ण, अब क ख ग भी है और अ आ भी है, ये सब क्या हैं? इनको अलग अलग हम क्या बोलते हैं? तो वर्ण जो होते हैं उनके दो भेद होते हैं। कौन से? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। जैसे, हाँ जी, सबसे पहले था हमारा वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जैसे अ आ क ख, ठीक है? उसके बाद है हमारा वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह, जब इनका एक समूह बन जाता है कि क ख भी सब आ जाते हैं, अ से लेके अंग तक सब आ जाते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है? एक समूह बन जाता है। तो ये क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। बच्चों, आप क्लास
आपकी कक्षा चौथी में ये सब आप पढ़ चुके हैं और अब हम उसी को दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो ये है वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कौन से होते हैं? अ अनार से, अ आ ई, ई, ये सब क्या है? स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या है? क ख छ छ ज प फ ब भ, ये सब क्या है? हमारे व्यंजन है। अब स्वर जो होते हैं, स्वरों को बोलने के लिए किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती, वो अपने आप ही हम इनको स्वतंत्र होते हैं, ये खुद ही बोले जाते हैं। लेकिन व्यंजन जो होते हैं उनको बोलने के लिए हमें जो है स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे ये दिया हुआ है क, अब अगर मुझे क बोलना है तो आप देखेंगे क में एक और आवाज आ रही है, वो आवाज किसकी आ रही है? अ की आवाज आ रही है। अब अ क्या है? हमारा स्वर है। अ क्या है? हमारा स्वर है। इसका मतलब कि व्यंजनों को बोलने के लिए किसकी सहायता चाहिए? स्वरों की। हर व्यंजन के साथ क्या रहता है? स्वर रहता है। अब स्वर जो है व्यंजन के साथ मात्राओं के रूप में आते हैं। कैसे आते हैं? मात्राओं के रूप में। अब जैसे अलग से स्वतंत्र शब्द तो बनते हैं, जैसे अनार, आम, इमली, लेकिन अब हमें बनाना है काजल। अब मुझे अगर काजल लिखना है तो मैं क के साथ आ की मात्रा लगाऊंगी, क आ ज ल काजल, क के साथ अ की मात्रा लगा के ज ल काजल, तो आ की मात्रा जो है वो क्या है? स्वर। तो व्यंजनों के साथ स्वर जो है वो मात्रा के रूप में आते, ठीक है। और इसके बाद बच्चों आता है वर्ण विच्छेद। अब ये तो हो गए हमारे वर्ण, लेकिन अब हमें अगर इन्हें अलग अलग करना है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता, ठीक है। अब जैसे उसमें आपको क्या करना है कि हर व्यंजन के साथ स्वर रहते हैं, अब आपको व्यंजन और स्वर उनको अलग अलग करना है, तब आप वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। जैसे अभी हमने किया क, क में क प्लस अ, यानी कि जो उसके अंदर आवाज आ रही होगी वो उसकी मात्रा है और उसको हम उसके साथ लिखेंगे। अब अगर हम स्वर को उस व्यंजन से अलग कर देते हैं तो स्वर कैसे लिखा जाएगा? जैसे हमने लिखा क के नीचे हलंत लगा के लिखा, क के नीचे हमने क्या लगाया? हलंत। क के नीचे हलंत लगाने का मतलब है कि इसमें व्यंजन नहीं है, लेकिन जब इसके साथ हम अ को लेके चलते हैं तो ये क्या बन जाता है? हमारा पूरा क बन जाता है, मतलब ये क की आवाज है। क में क हलन यानी कि व्यंजन प्लस अ स्वर दोनों को मिलाकर के क्या बना? ये क बना। अगर हम उसमें से व्यंजन को अलग, स्वर को अलग कर देते हैं तो वो सिर्फ क और उसके नीचे हलंत रह जाता है, यानी वो आधा अधूरा बना जाता है। लेकिन जब उसके साथ व्यंजन आ जाता है, सॉरी, जब उसके साथ स्वर आ जाता है तो वो पूरा गिना जाता है, यानी कि वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है वो। तो इसी तरह से जैसे हमने कक्षा चार में वर्ण विच्छेद किया था तो आप उसी तरह से वर्ण विच्छेद करेंगे। अब उसके बाद आते हैं बच्चों संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन। अब संयुक्ताक्षर आपने इससे भी शब्द बनाए हुए हैं, ये भी आपने पहले भी किया हुआ है कक्षा चार में। तो संयुक्ताक्षर में क्या होता है? एक दोनों जो व्यंजन आते हैं वो असमान होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे ये द हलन ध, तो एक अधूरा है और एक पूरा है, इसमें क्या है? दोनों अलग अलग है। लेकिन द्वित्व व्यंजन यानी कि दो होते हैं उसमें दोनों, उसमें क्या होता है व्यंजन में? दोनों समान होते हैं, ठीक है। इसमें एक में स्वर होता है और एक में स्वर नहीं होता, यानी जिसमें हलंत है या जो आधा है वो हमारा बिना स्वर के है, और दूसरा
जो है वो स्वर सहित है, यानी एक स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है। एक स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। तो आपने इनसे आगे अलग-अलग शब्द बनाने हैं। तो ये हैं हमारे संयुक्त अक्षर और द्वित व्यंजन। जैसे द ध, इससे बनाया हमने बुद्ध, बुद्धि, शुद्ध। उसके बाद है स, हलन्त, ये बना बस्ता, हस्त। तो इसी तरह से आप बाकी के और भी उदाहरण जो आप कक्षा 4 में भी कर चुके हैं, उन्हें आप फिर से लिख के देखेंगे। इसी तरह से द्वित व्यंजन में आधा क और क, तो ये क्या बना? पक्का, चक्का, ठीक है। फिर आधा च और च, कंप्लीट पूरा, तो ये क्या बना? बच्चा, सच्चा। तो इस तरह के और भी उदाहरण आप अपने आप से करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, ये जो था, ये था आपका पाठ 2, वर्ण विचार, जिसमें हमने वर्ण, वर्णमाला, वर्ण विच्छेद, संयुक्त अक्षर और द्वित व्यंजन के बारे में जाना, जो सब विषय आप इससे पहले कक्षा 4 में भी कर चुके हैं। तो आप उन्हीं सबको फिर से दोहराएंगे और अच्छे से अभ्यास करेंगे। सुप्रभात।